नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि किस तरह हम इसी बायस को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जनरली क्या होता है कि जब भी लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम्स होती है और हमें ऐसा लगता है कि SIO को प्रोग्राम करना चाहिए, तो उस समय क्या होता है कि हम अक्सर सर्च करते हैं कि इसी बायस कहाँ है। अगर आपका SIO प्रोग्रामेबल है तो उसका इसी बायस की ज़रूरत होती है, तो वो इसी बायस कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, ये टेलीग्राम का एक ग्रुप है, इनिट SIO सपोर्ट ग्रुप। टोटल आप इसमें देख सकते हैं 1200 के आसपास मेंबर है। इसमें अक्सर क्वेरी आते रहते हैं कि इसी बायस चाहिए, इसी बायस चाहिए। तो इसी बायस आपको मिलेगा कैसे, मेन यहाँ पर मैं इसी बायस को लेकर के क्लास दे रहा हूँ कि इसी बायस आपको मिलेगा कैसे। तो देखिए, आपको अगर इसी बायस चाहिए तो उसके दो तीन मेथड्स है। पहला मेथड्स यही है कि अगर आपने इनिट का SIO प्रोग्राम परचेज कर रखा है और आप इस ग्रुप में ऐड हो, है ना, इस ग्रुप में अगर आप एडेड है, इंडिया में कोई भी अगर इनिट का SIO प्रोग्रामर परचेज करता है तो उसको हम इस सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो अगर आप इस सपोर्ट ग्रुप में ऐड है और आपको कोई इसी बायस चाहिए तो आप यहाँ से सर्च करके ले सकते हो। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, है ना, सर्च करके आपको मिल जाएगा जो भी आपको यहाँ पर चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे को चाहिए LA A992P, है ना, A992P, तो मैंने लिखा तो देखिए आप यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, है ना। इस तरह करके आप सर्च करेंगे आपको इसी बायस मिल जाएगा, है ना। आप इसके फाइल्स में भी जाओगे तो काफी सारे बायस है। देखिए टोटल 3347 फाइल्स है, इसमें भी आप जाएंगे तो आपको काफी सारे इसी बायस मिल जाएंगे, है ना। एक तो ये तरीका हो जाता है इसी बायस कलेक्ट करने का, मतलब आप किसी भी सोर्स से, चाहे वो आपका ये टेलीग्राम का कोई चैनल हो या फिर आप बिना फिक से ले सकते हो, गूगल से डाउनलोड कर लो, जैसे मर्जी आप डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी सोर्स से आप इसी बायस ले सकते हैं। अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप अपना इसी बायस खुद बना सकते हो, इसमें आप को किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बना सकते हो। देखिए यहाँ पर सर ने बोला भी है, है ना, हर्षद सर ने रिप्लाई भी दिया है किसी को, किसी पर्सन ने पूछा इसी बायस प्लीज 8987 ही, है ना, कि इसी रोम चाहिए इसको। तो सर ने क्या रिप्लाई दिया, इसी फाइल के लिए सभी मेंबर ग्रुप में बोर्ड नंबर से सर्च करे, ग्रुप में अपलोड होगी तो मिल जाएगी। एक तो सोल्यूशन ये है जो मैंने आपको बता दिया, इस तरह आप सर्च ऑप्शन में जा करके अपना पार्ट नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे बोर्ड का और आपको उसका इसी बायस मिल जाएगा। दूसरा टेक्निक क्या है, अगर नहीं मिलती है तो आपकी बायोस में से उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए जिसके लिए इसी फाइंडर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मेन इसी फाइंडर सॉफ्टवेयर है, मैं इसी फाइंडर सॉफ्टवेयर का ही आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि इसी फाइंडर सॉफ्टवेयर से आप किस तरह अपना इसी बायोस खुद ही बना सकते हैं। दो तीन मेथड्स है, उसमें से एक मेथड तो ये वाला हो गया, आप कहीं से भी डाउनलोड कर लो। दूसरा मेथड क्या, इसी फाइंडर, और भी मेथड है, तीसरा मेथड भी, चौथा मेथड भी है, चार पांच मेथड तो मैं जानता हूं इसी बायस को अगर कलेक्ट करना है तो। सेकंड मेथड जो है ये इसी फाइंडर, इसका कैसे यूज करेंगे मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, है ना, मैं दिखा भी रहा हूं। देखिये मेरे पास भी एक क्वेरी आई थी, मैं वो भी आपको दिखाता हूं। देखिये यहां पर भी आया क्वेरी, है ना, कि सर इसका इसी बायस ओनली बिना फिक्स पर है IT5570E128, है ना, तो ये इसी बायस दिया। तो मैंने यहाँ पर रिप्लाई भी दिया, इसी बायस चाहिए सर, आप अपना बायोस दीजिए, उसी से बना के दे देता हूं। इसी बायस आप अपने बायोस से ही बना सकते हैं इसी फाइंडर के द्वारा, बट कितना साइज का इसी चाहिए वो बताना होगा। तो पर्सन ने मुझे 16 MB का बायोस फाइल दिया और मैंने साथ ही साथ ये नंबर भी दे दिया, IT5570E128, ये 128 इंडिकेशन हो गया कि 128 KB का उनको इसी बायस चाहिए, तो मैंने इनको बना के दे दिया। मैंने कैसे बनाया उस चीज को देखिए, यहाँ पर मैंने बना के दे दिया। तो सिंपल है, जब भी आपको कोई इसी बायस बनाना हो आप अपने बायोस से ही बना सकते हो, बहुत सिंपल टेक्निक है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये टूल, ये इसी फाइंडर टूल चाहिए, यहाँ पर देखिए इसी फाइंडर टूल है ये, है ना, इसी फाइंडर। और अगर मुझे मान के चलिए बायस बना के देना है, इसी बायस बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं बस सैंपल भी देख लेता हूँ। मेरे पास कुछ सैंपल बायस होंगे, जैसे ये बायस एडिटिंग क्लास डाटा, यहाँ पर मेरे पास कुछ सैंपल बायस है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा।
जैसे कि मान लीजिए मैं एसआर के लिए आ गया फाइल नंबर वन, जैसे 11 जनरेशन का है ये, है ना, एल ए के 092P, मुझे इसका ईसी बायस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो देखिए ईसी फाइंडर डॉट ईएक्सई, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन हो गया, तरीका यही होना चाहिए जैसा मैं बता रहा हूं। अगर आप दूसरा तरीका यूज करोगे तो काम नहीं होगा, है ना। तो यहां पर देखिए मैंने ओपन किया, ओपन करने पे अब क्या कह रहा है, प्लीज ड्रैग एंड ड्रॉप द फाइल ऑन द कंसोल विंडो। तो मुझे क्या करना है, ओपन करने के बाद इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पर इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और देन क्या करना है, प्रेस एंटर, मुझे एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, चूज द ईसी साइज राइट नंबर फ्रॉम 1 to 8 एंड प्रेस एंटर। कि अब आपका ईसी साइज जो भी है, तो आपको अपना क्या देखना होगा, आपको अपना आयो चिप देखना होगा कि आयो चिप में कितने केबी का ईसी बायस चाहिए, वो आपको देख लेना होगा, है ना। उसका आपको आइडिया ले लेना है आपको, और उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये जो हमारा है 128 केबी का है, तो आप यहाँ पर वन टाइप करेंगे, वन टाइप करके एंटर करेंगे। वेट किया आपने, वेट करते देखिए यहाँ पर 128 केबी का हमारा ईसी बायस बन गया, है ना। तो इस तरह करके इजीली आप बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बायस को बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं अगर देख ही लेता हूँ ये क्या है, LAK092P करेक्ट, LAK092P को मैं गूगल पे सर्च करता हूँ एक बार कि इसमें कौन सा आयो आता है, LAK092P, ये SR का है, ये SR का है, इसके इमेजेस में जाता हूँ मैं, SR का है, और कौन सा है आयो यहाँ पे लगा हुआ मैं देख लेता हूँ आयो किस साइड पे लगा हुआ है। आयो दिख जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको डायग्राम से भी देख सकता हूँ। देखिए मैं डायग्राम से भी देख लेता हूँ, LAK092P, है ना, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये मेरे पास इसका डायग्राम भी है, आप इसमें देख लो LAK092P हमारा जो ये KB9052 है। तो जनरली इसमें 128 KB का होता है, तो ये आपका 128 KB का ही यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस तरह आपने देखा सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड है कि आपको 128 KB का डाउनलोड आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ बहुत इजी तरीके से आप इस पे वर्क कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये बना लिया, मैं बैक हुआ, बैक हो करके मैं जाता हूँ जैसे फाइल नंबर 2 में, ये एक गेमिंग का पड़ा हुआ है, इसमें अगर है जरूरत इसी बायस की तो मैं इस तरह यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। शायद सेकंड टाइम ओपन करना पड़ेगा, सेकंड टाइम ओपन करता हूँ, ये एंटर किया मैंने, एंटर किया, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एंटर करेंगे, फिर इसने पूछा, है ना, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा 160 केबी का ईसी बायस इसमें है, तो आप यहाँ पर 2 टाइप करेंगे ना और एंटर करेंगे, तो देखिए ये खुद ही 160 केबी का एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। देखिए 160 केबी का यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ, ले जाके व्यू बाय डिटेल्स, ये मेरा 160 केबी का आ गया। तो बहुत सिंपल है आपको ईसी बायस बनाना, आप इस ईसी फाइंडर टूल का यूज करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको गूगल में सर्च करिए, गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, बार बार मेरे से मत मांगिएगा, जो मेरे से जुड़े हैं वो मांगते हैं तो दे देता हूँ, जो मेरे से नहीं जुड़े हैं वो मांगते हैं तो मैं इग्नोर करता हूँ, है ना। तो बहुत इजी सॉफ्टवेयर है ये, इजीली आपका ईसी बायस इससे एक्सट्रैक्ट हो जाता है, आपके पास खुद बायोस है, बायोस से ही आप ईसी बायस बना सकते हो। तो ये आपका एक दूसरा मेथड है। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि इसको लेकर के लोग मिस्टेक्स भी करते हैं, गलती करते हैं, कैसे गलती करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे इस टूल का यूज करना है, तो मिस्टेक्स कैसे करते हैं, इस तरह मिस्टेक्स करते हैं, ये फाइल को यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे, तो शायद ड्रैग करके ड्रॉप करने पे देखिए यहाँ पर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, आपने एंटर किया, ये गायब हो गया। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपको कि आपने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्ट नहीं करना है इसके ऊपर, आपने पहले इसने ओपन करना है, इस तरह आपने इसने ओपन कर लिया, इसको ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और फिर एंटर करेंगे, और उसके बाद आपका जो भी ईसी बायस है ना, जिस साइज का भी है,
साइज देख लेना आपको, साइज को लेके थोड़ा सतर्क रहना है। कुछ कुछ ऐसा जो ऐसे आते हैं जो 128 केबी में भी आते हैं, 256 केबी में भी आते हैं, 192 केबी में भी आते हैं, तो ये आपको ध्यान दे देना है कि आपका कितने केबी का है। कई बार तो आयो चिप के ऊपर इंडिकेशन दिया रहता है इस तरह का कि आपको कितने केबी का इसी बायोस होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इधर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, IT8227 करेक्ट, IT8227 मैंने यहां पर टाइप किया, आयो चिप है। अब देखिए IT8227 यहां पर 128 का इंडिकेशन है, दैट मीन्स ये 128 चाहिए। सेम आयो देखिए यहां पर आ रहा है IT8227 192 केवी का, तो 192 केवी का यहां पर इसी बायस चलेगा। यहां पर दे रहा है सेम 8227 ही 256 केवी, मतलब आपने देख लिया ना आयो चिप का नंबर तो वही है IT8227E, बट ये 128 केवी में भी आता है, 192 केवी में भी आता है, 256 केवी में भी आता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कितने केवी का इसी बायस एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो वो आप आयो को देखकर कहीं पता चल जाएगा आपको। और दूसरी बात, जब कभी भी आप इस तरह के आयो परचेज करते हो ना, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं IT8227E का, अगर आप परचेज करते हो तो ये पूरा नंबर बताना है आपको कि 192 में चाहिए या 128 में चाहिए या 256 में चाहिए, है ना। आप मान लीजिए किसी को कॉल करते हैं किसी वेंडर को कि मुझे आयो चिप चाहिए, तो आपने अगर बताया IT8227E, अब ये वेंडर के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि उसको कितना नॉलेज है, वो क्या जानता है 128 के बारे में, 192 के बारे में, 256 के बारे में। अगर वो टेक्निकल पर्सन है तब तो वो आपसे तुरंत बोलेगा कि आपको इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी चाहिए, है ना। और अगर वो टेक्निकल पर्सन नहीं है तो उसके हाथ में जो आएगा, है ना, क्योंकि वो आपको कुरियर कर दिया जाएगा। बाद में आपको चाहिए होगा, मान लीजिए आपको चाहिए 192, आपको भेज दिया 128, तो वहां पर आप फिर फंस जाओगे, आपका काम नहीं बनेगा, है ना। तो इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए आपको कि आप जब परचेज करोगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर आपको बताना है जिससे भी परचेज करो, है ना। और ये कॉस्टली आती है आयो, कोई सस्ती आयो नहीं है, जनरली ये 700-800 के रेंज में आयो आती है कम से कम। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था। स्पेशली ये वीडियो इनको तो जरूर देखना है, जो भी हमारे इनिट एसआईओ सपोर्ट ग्रुप के मेंबर्स है, कि आपको बार बार यहां पर इसी रोम करके रिक्वेस्ट नहीं करना है। आपके पास मेथड नंबर 1 है कि आप यहां से सर्च कर लीजिएगा, पार्ट नंबर डाल के आपको मिल जाएगा। मुझे तो मोस्टली इसी बायस मिल जाता है इस ग्रुप में, मैं इसी बायस को लेकर के बिल्कुल दिक्कत में नहीं रहता हूं। अगर मुझे चाहिए होता है तो मेरे को इस ग्रुप में मोस्टली मिल जाता है, जो नहीं मिलता तो मैंने आपको बता दिया, मेरे पास तो मेरा बायोस है तो, और साथ ही साथ मेरे पास ये इसी फाइंडर है, ये इसी फाइंडर से मैं क्या करूंगा, अपना बायोस इसी बायोस खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो ये दूसरा मेथड है। तो ये जो इसी फाइंडर है इसको लेकर के जो प्रॉब्लम्स आती है वो मैंने आपको बता दिया। कई बार लोग इसको यूज करने से हिचक जाते हैं, हिचकते क्यों है, यही कि आपने गलत मेथड ले लिया, आपने डायरेक्ट इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहां पर आपको दिक्कत आ गई। आप यहां पर एंटर करोगे ये आपका इसी फाइंडर क्लोज हो जाएगा, तो ये गलत मेथड है। सही मेथड क्या है, डबल क्लिक करना है और देन आपको यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अच्छा, और एक और प्रॉब्लम आती है, कई बार आपका इसी फाइंडर का जो वर्जन होता है ना, जैसे आप ये वर्जन देखिए, मेरा बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है, ये वर्जन है इसी फाइंडर 0.5.0। अब किसी के पास मान लीजिए लोअर वर्जन है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास लोअर वर्जन है क्या, जैसे ये देखिए इसी फाइंडर 0.4.7, अगर किसी के पास ये वर्जन है तो अगर मान लीजिए वो इस वर्जन का यूज करेगा तो शायद उसको प्रॉब्लम्स आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ये इसी फाइंडर मैं ओपन करता हूं, इसे इसी फाइंडर है ना, रन एनीवे, ये मैंने ओपन किया है ना, ये देखिए ओपन किया तो ये क्या बता रहा है, ए न्यू वर्जन अवेलेबल प्रेस वाई, आप यहां पर वाई टाइप करेंगे उसके बाद फिर ये क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपका वर्जन अपडेटेड नहीं है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहां पर आपको मैंने इस
वीडियो में बता दिया कि किस तरह आप यहाँ पर इसी फाइंडर टूल का यूज करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।